पूर्व की जो विथिशूला है, तो वो पूर्व की विथिशूला होती है तो खास तौर पर बच्चे जो रहते हैं उनको एक्सीडेंटल डेथ आने की संभावना रहेगी, या उस भवन में सब बेटियां पैदा हो सकती है, क्योंकि वहां पर सूर्य है, इंद्र है, और इंद्र रवि है, सत्य है। ऐसे भवन के लोग बहुत सारे झूठ बोलते हैं, सच बोलते नहीं। और 180 डिग्रीज जब वेस्ट का देवता वृंद भी खराब होता है फोर्स की वजह से, तो सट्टा, लॉटरी, जुगाड़, गैम्बलिंग, इसमें आदमी पैसा लगाता है और डूब जाता है। कभी कभी बिना पढ़ाई लिखाई किए पार्टनरशिप कर देता है, तो वो पार्टनर सब पैसा लेके भाग जाता है। ये भी कब रहता है, जब पूर्व में विथिशूला हो और पश्चिम में टेरेस हो, तो उसका प्रमाण इस प्रकार से पार्टनरशिप में सब सत्यानाश, पूरी जीवन की कमाई वो खा जाता है। नहीं तो कोई ऐसे शेयर कोई बोल देता है, बुद्धि का भ्रम होता है ना, वहाँ पर धी, धृति, स्मृति और ऊर्जा जुड़ी हुई है, तो धी, बुद्धि, धृति यानी करेज, तो अननेसेसरी करेज कर सकता है वो आदमी। जब करेज करना चाहिए वो नहीं करेगा, जहाँ थोड़ा डर के रहना चाहिए वहाँ जोर में करेज करेगा, तो इसको एक संभ्रम बोलते हैं। ऐसा आदमी संभ्रमित हो जाता है, ऐसा वो पूर्व की विथिशूला का परिणाम है। वैसे अग्नेय की विथिशूला है तो अहंकार बहुत बढ़ा देगा, अहंकार बढ़ाएगा तो शुरू शुरू में तो पैसा कमाएगा, नाम कमाएगा, लेकिन धीरे धीरे और अहंकार बढ़ के वो आदमी वायलेंट बन जाएगा, और वायलेंट बन जाएगा तो वो पाप करेगा, सोशल कुछ गड़बड़ी करेगा, फाइनेंशियल करेगा, और कहीं ना कहीं वो जेल में जाने की संभावना है। खास तौर पर अग्नेय विथिशूला मतलब -2 है ना, तो एक प्रकार का बंधन योग है, वहाँ शुक्र भी है अग्नेय दिशा में भी, तो वो शुक्र जो है वो कुछ ऐसे गलत करवा देगा, इमोरल एक्टिविटी रिलेटेड टू द सेक्स, वो साउथ ईस्ट विथिशूला का एक प्रभाव है, और उसका रास्ता आगे चल के जेल में चला जाता है। बहुत सारे महाराज जो हैं, जो जिन्होंने कुछ बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, वो ऐसे लोगों के यहाँ आपको साउथ ईस्ट की विथिशूला दिखाई देगी। और बराबर 180 डिग्रीज नॉर्थ वेस्ट है ना, तो नॉर्थ वेस्ट स्वर है, तो उनका स्वर बिगड़ जाता है, उनका वो लेडीज़ की तरफ देखने का रवैया बिगड़ जाता है, वो कभी उसको दुर्गा, शक्ति, माँ इस प्रकार से देखेंगे नहीं, वो मादी के स्वरूप में देखेंगे। जब भी स्त्री की तरफ देखेंगे, दे विल लुक एट द लेडी लाइक अ सेक्स टॉय, इस प्रकार के वो इमोरल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी खास तौर पर साउथ ईस्ट विथिशूला से जुड़ी हुई आपको दिखाई देगी। उसके बाद साउथ की विथिशूला है, वो तो हरदम रोड एक्सीडेंट में आदमी को मरवाती है, पूरी पूरी फैमिली मरने की संभावना ऐसी स्थिति में। जैसे हमारे ऑफिस के बाजू का रास्ता है, दक्षिण का है, वो जहाँ ठोकता है वहाँ पर पैसा अड़का बहुत है, लेकिन उसके दोनों बेटे एक्सप्रेस हाईवे पर मारे गए। और क्या उम्र थी उनकी, एक की 18 थी, दूसरे की 23 थी। तो ये जो झटका है वो दक्षिण विथिशूला का बैठता है, और ये कब बैठता है, जब ये दक्षिण की विथिशूला के साथ साथ आपके भवन में भी पूरा दक्षिण खुला हो, टेरेस हो, बालकनी हो, बड़ा प्रांगण हो, बोरवेल हो, और बराबर 180 डिग्रीज जहाँ नॉर्थ है वहाँ पर टॉयलेट हो, मतलब पूरा अक्ष, जैविक अक्ष जब बिगड़ जाता है और ऐसे विथिशूला जब ठोकती रहती है दक्षिण की, तो यम और विकट जब साथ आ जाते हैं तो वो छोड़ते नहीं, वो कुलक्षय करवा देते हैं। जो पारंपरिक शास्त्र ने जो नियम बताया है, विथिशूला का सूत्र बताया है, द्वारे तु रथया विद्धे भवेत सर्व कुलक्षया, ये सूत्र का 100% रिजल्ट दक्षिण विथिशूला में दिखाई देता है। कहीं कहीं आप देखेंगे दक्षिण विथिशूला होने के बावजूद वहाँ पर कोई परिणाम ऐसा दिखाई नहीं देता, पैसा बहुत है समझो उसके पास, तो आपको दिखाई देगा उसको बेटियाँ हैं, तो बेटियाँ हैं तो पारंपरिक शास्त्र से वो कुलक्षय एक तरीके से हो जाएगा। लेकिन जो बेटियाँ हैं, जो कुल का भार जिन पर नहीं है, उनको बहुत सारे फ्रेंड्स रहेंगे,
और उनके अचरित संबंध जिसको बोलते हैं इमोरल संबंध रहेंगे, ये भी दिखाई देता है। और वहाँ पर आपको दिखाई देगा एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देगा। तो ज़्यादातर ये जो निगेटिव, इसको वो जो पेड़ रहता है वो पेड़ को ऑर्गेनिक कर्टन कहते हैं। तो जो भी प्रभाव है ऊर्जा का -4 इकट्ठा से जो ठोक रहा है उसका पूरा परिणाम वो पेड़ खा जाता है, तो भवन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन प्रवाह है तो ऊर्जा में छेद और भेद होना निश्चित है। मतलब कुछ न कुछ परसेंटेज निगेटिविटी उस भवन में घुसने वाली है। तो हमारे बाजू में वो मारवाड़ी रहता है, उसके यहाँ ऐसी दीक्षित की विथीशुला है, बड़ा पेड़ है, वो काटने वाले था, हमने बता दिया उसको, अरे ये पेड़ मत काटो, तो ये पेड़ काटोगे तो विथीशुला का ऐसा प्रभाव चलेगा, फिर रोड एक्सीडेंट होने की संभावना है, फिर उसने काटा नहीं। इस प्रकार से वो नेचुरली प्रोटेक्ट है। तो उसके जन्म पत्री में आप देखते हो तो बराबर 10th हाउस में मकर राशि का शनि है, मतलब साउथ फुल्ली प्रोटेक्टेड है, और वो आपको पेड़ के माध्यम से वहाँ पर दिखाई देती है।